दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं HP का न्यूली लॉन्च EH31010AU लैपटॉप। जी हाँ, EH31010AU राइजन ने 7000 सीरीज लॉन्च करी थी। HP भी उसके साथ साथ अपने नए नए मॉडल्स के अंदर अपग्रेड करता जा रहा है। पहले हम मॉडल्स देखते थे, जो सबसे फेमस मॉडल था EC1003AU जो 14 इंच के साथ HP ने लॉन्च किया था Ryzen 5 5000 सीरीज में। HP ने इस मॉडल को लॉन्च किया है Pavilion सीरीज में और 7000 सीरीज के साथ 15 इंच के अंदर। तो दोस्तों आइए देखते हैं मॉडल नंबर और लैपटॉप। जी हाँ, ये है HP का EH3101AU लैपटॉप Ryzen 7 16GB RAM 512GB SSD के साथ। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करेंगे, देखेंगे लैपटॉप में क्या क्या लगा हुआ है, इसका रिव्यू करेंगे। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम नए नए लैपटॉप के रिव्यूज लेके आते रहेंगे, अनबॉक्स करते रहेंगे, सबका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। एज यूजुअल हर लैपटॉप में जो निकलता है वही इसके अंदर एक यूजर मैनुअल, अगर टाइम मिले तो जरूर पड़ेगा, प्रीमियम पावर कोड लैपटॉप की, 65 वॉट का पावर एडेप्टर। देखिए मैं यहां पे ये कहूंगा कि अब 7000 है HP का, Pavilion सीरीज है, अब HP को भी अपग्रेड करना चाहिए, टाइप सी एडेप्टर्स देने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप टाइप सी एडेप्टर लेना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं, फास्ट चार्जिंग करता है। और ये है हमारा लैपटॉप। देखिए इसमें बहुत ज्यादा HP ने फर्क नहीं किया, अगर मैं इसकी बॉडी में कहूंगा, आउटर लुक के लिए कहूंगा, बिल्ड क्वालिटी HP Pavilion की ऑलरेडी बेटर होती है, इसकी भी है, मेटल बॉडी में लैपटॉप है, रबड़ ग्रिप्स देखेंगे पीछे, रबड़ सेम, आप जो अभी तक आप लैपटॉप देखते आ रहे हैं बॉडी इसकी सेम वैसी ही है, ऐसा बहुत चेंज नहीं किया है जैसा HP ने अपनी 15 और 14S की सीरीज में किया था। जब 15S की सीरीज Ryzen 3 और Ryzen 5 HP ने अपग्रेड करी थी 5000 सीरीज से 7000 सीरीज में लेके आए थे AMD के, उन्होंने काफी कुछ चेंज किया था, लेकिन इसमें बहुत हद तक चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, फिर लैपटॉप को ओपन करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर इसका बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे जो सबसे पहला पोर्ट है वो HDMI का है, आपका प्रोजेक्टर और टीवी कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाई देगा USB टाइप ए सुपर स्पीड, उसके बाद है टाइप सी पोर्ट, इससे आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको दिखाई देगा 3.5 mm का ऑडियो जैक जिससे आप हेडफोन और स्पीकर कनेक्ट करके चला सकते हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ दो ही पोर्ट दिखाई देंगे, पहला पोर्ट जो है चार्जिंग के लिए, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, और दूसरा है USB टाइप ए सुपर स्पीड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर की। देखिए इसमें AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर आपको मिलता है, जिसकी बेस स्पीड 2 GHz है। देखिए बेस स्पीड 2 GHz है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बूस्ट अप होके 4.5 GHz तक जाता है। 10 nm का प्रोसेसर मोस्टली आता है इंटेल के लैपटॉप के साथ, इसके अंदर 7 nm का आपको प्रोसेसर मिलता है। अगर हम कोर्स की बात करेंगे तो 8 कोर्स का लैपटॉप है। और हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं, जब आप इसकी कंपेयर करते हैं i7 के साथ, उसमें 12 कोर आते हैं, लेकिन उसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, बाकी के सब एफिशिएंट कोर मिलते हैं, या 4 या 6 अलग अलग प्रोसेसर्स में अलग अलग आते हैं। अगर आप 10 कोर की बात करेंगे, 10 के 2 परफॉर्मेंस कोर नहीं होते हैं, उसमें 6 एफिशिएंट कोर होते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर होते हैं, लेकिन AMD के लैपटॉप में आपको AMD के प्रोसेसर में 8 के 8 आपको परफॉर्मेंस स्कोर मिलते हैं। सबकी जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। अगर आप L3 कैशे की बात करेंगे तो 16 MB की L3 कैशे आपको इसमें मिलती है, मेमोरी 16 GB की इसमें रैम है 3200 MHz की। देखिए मैं यही कहूंगा अब HP से भी, जब आप 7000 सीरीज लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर रैम भी DDR5 लेके आइए। DDR4 रैम काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, स्पीड अच्छी होती है 3200 MHz की, लेकिन अब DDR5 कुछ अपग्रेड हो जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। स्लॉट्स 2 हैं, दोनों के दोनों यूज्ड हैं इसमें।
यानी 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है। एसएसडी की बात करेंगे, इंटेल की 512 GB की इसमें एसएसडी आपको मिलती है, जिसकी कैपेसिटी 477 GB है। अब इसमें देखेंगे, इसमें रीड और राइट स्पीड भी चलते रहते हैं। जब आप देखें तो इसमें रीड राइट स्पीड आपको दिखाई देता रहेगा, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा ये जैसे जैसे स्पीड इसमें आती है। अब हम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई आपको इसमें मिलता है 6AX, 5G राउटर अगर आपका है तो स्पीड काफी अच्छी आएगी। जीपीयू की बात करें तो AMD Radeon ग्राफिक्स है इसके अंदर। आप देखेंगे डेडिकेटेड जीपीयू जो है वो है 512 MB का। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, डेडिकेटेड का मतलब होता है डेडिकेटेड चिप लगी हुई है, ऐसा नहीं होता। AMD अपने हर प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी देता है, वो AMD प्रोसेसर के अंदर ही होता है ग्राफिक्स। तो इसमें जो ग्राफिक्स के अंदर की डेडिकेटेड जीपीयू है वो है 512 MB, शेयर्ड भी है, शेयर्ड जीपीयू 7.7 GB है, तो टोटल आपका 8.2 GB होता है। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये होती है 2000 MHz की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका अगर इंटेल के जो ग्राफिक्स आते हैं 2 GB का MX 340 350, तो उसके इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं कि उसके इक्विवेलेंट ये वर्क करता है। जो कॉन्फ़िगरेशन की वॉइस आप सुन रहे थे वो हमने वॉइस इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी टेस्ट करने के लिए कि इसका माइक कैसा है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसके माइक की क्वालिटी। HP इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देता है, माइक्रो एज बाइट व्यू के साथ, ब्राइटनेस 250 निट्स और 45% NTSC के साथ। अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1920x1080 आपको इसका रेजोल्यूशन मिलता है। HP इसमें आपको वाइट विजन 720p HD कैमरा विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन एंड इंडिकेटेड ड्यूअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और इसके पार्ट्स देखते हैं हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो ये देखते हैं इसके पार्ट्स। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन से। ये हमारा ये मदरबोर्ड है, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारी 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों रिमूव करनी पड़ेंगी तभी आप अपग्रेड कर पाएंगे। ये दोनों निकालिए और आप 16-16 GB की दो रैम लगा दीजिए, लैपटॉप आपका अपग्रेड हो जाएगा। ये हमारी SSD लगी हुई है, SSD भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रिमूव करनी पड़ेगी तभी SSD अपग्रेड होगी, अदरवाइज इसमें ऑप्शन नहीं है कोई भी अपग्रेड करने का। यहां हमारा वाईफाई लगा हुआ है। यह हमारी बैटरी है जो आप देख रहे हैं, 3 सेल की बैटरी है, 41 वर्क आवर्स के साथ। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो 6 से 7 घंटा आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहां पे दो स्पीकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हमने अनबॉक्स किया HP Pavilion 15EH3101AU लैपटॉप को। आपको हमने इसका बैक पैनल भी ओपन करके दिखाया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन Ryzen 7 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। देखिए अगर हम बात करें यूसेज की, देखिए लाइट वेट लैपटॉप है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, मेटल बॉडी में बड़ी स्लीक है। अभी तक आप देखते आ ही रहे हैं HP के पवेलियन सीरीज को। अगर मैं यूसेज की बात करूं तो आप इसमें अपनी वर्किंग के सारे ही आप अपने वर्क सारे कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, वो काम आप नहीं कर पाएंगे जो 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की डिमांड करते हैं, जैसे गेमिंग हो गई, हार्डकोर गेमिंग हो गई, वैलोरेंट हो गई, NFS हो गई। आप प्ले तो कर सकते हैं लेकिन वो मजा नहीं आया, क्योंकि इसकी स्क्रीन भी 60Hz की है, इसके रिजोल्यूशन भी गेमिंग लैपटॉप्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ना ही इसमें ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है 512 MB का। अगर आप वर्क करना चाहें कोरल फोटोशॉप में आप इजीली कर सकते हैं, ऑलरेडी इसके अंदर ग्राफिक्स है उसके लिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहेंगे तो वो इसके उसके लिए ये लैपटॉप नहीं है। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो 250 निट्स के साथ ये लैपटॉप है, 45% NTSC के साथ, 100% आपको इसमें कलर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई भी वर्किंग करनी हो, आपने डिजाइनिंग का काम करना हो, लाइट वेट पे ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत हैवी नहीं, मैं इसलिए इसको आपको बाइफर्केट करके बताता हूँ, हैवी और लाइट वेट में फर्क होता है। अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो HP ने इसकी प्राइसिंग 70,000 के अप्रॉक्स में रखी है। देखिए मैं यही कहूंगा कि 70,000 के अप्रॉक्स अब कंपनीज को अपग्रेड करना चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी, स्क्रीन रेजोल्यूशन को मैं NTSC की बात करूं तो 100% कलर ग्रेडिएंट अब कंपनीज को देना चाहिए, क्योंकि 70,000 काफी बड़ा बजट होता है। और हम पीछे काफी टाइम से देखते आ रहे हैं 250 निट्स और
वही 45% एनटीएससी के साथ, क्योंकि ये हमारे कलर कोरल ड्रो और फोटोशॉप में काफी हेल्पफुल होता है। अगर वारंटी की बात करूंगा तो एचपी इसके साथ आपको एक साल की वारंटी देता है, आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जब भी आप एचपी वर्ल्ड पे जाएंगे लैपटॉप लेने के लिए, आप वहां पे सेल्स पर्सन से जरूर पूछिएगा कि वारंटी एक्सटेंड करने की क्या क्या ऑप्शंस है। एचपी टाइम टू टाइम ऑफर्स देता रहता है, कभी वायरलेस माउस, कभी हेडफोन, ये सब ऑफर्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी भी आपने किसी भी लैपटॉप की वारंटी एक्सटेंड करानी हो तो उसी कंपनी से ही कराइएगा, कभी भी थर्ड पार्टी ऑप्ट मत करिएगा। ये ऑप्शंस आपको मोस्टली ऑनलाइन में मिलेंगी, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे आपको मिलते हैं कि आपने वारंटी अपग्रेड करनी है, वो थर्ड पार्टी होती है, कभी वो ब्रांड्स की नहीं होती है। और अगर आप लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स पे भी जाएंगे, जैसे विजय सेल्स हो गया या आप रिलायंस, या इनमें भी जो अवेलेबल होती है मोस्टली थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी वारंटी आपको कभी भी नहीं मिलती है। इसीलिए जब भी आप लैपटॉप लें तो वारंटी अपग्रेड हमेशा एचपी की ही कराइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कहीं कोई आपके क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एचपी वर्ल्ड्स के लिंक्स भी दिए हैं, आपको अगर लैपटॉप लेना है तो आप वहां से कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।